विकास रीजन मैं बता दूंगा ना वन मोर ऑर्डर एक्शन मॉम प्लीज रीजन मैं बताती हूँ चल के आए एनजी और जतिन के बीच में एक सीक्रेट डील देने के बदले में
जॉब की मांग की है जतिन से। नजरें नीचे करना एंजी। अब जतिन की कंपनी में चकोर और समीर दोनों जॉब कर रहे हैं। मैं क्या सुन रही हूँ? तू ये सब समीर के? ये सब क्या हो रहा है एंजी? ये रन रन एक्शन। मैं बस समीर की हेल्प करना चाहती हूँ मॉम, प्लीज। उसकी जॉब भी छूट गई, अनजाने में ही सही मैंने उसका बहुत नुकसान किया और मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी का दिल कितना बड़ा है, इसलिए माफ कर देने की शक्ति। दैट्स नाइस राइट जी? तू आपकी बेटी में माफ कर देने की शक्ति है, पर मैंने वो नहीं किया जो आप सोच रहे हैं। क्या नहीं थी? मतलब मैंने चकोर को माफ नहीं किया है और ना ही मैं कभी करूँगी। और मुझे और आगे इसने करनी फ्रेश हो गया। अभी परेशान है और पूनम जो है अपनी चाल भी अलग अलग तरीके से चली जा रही है आपके लिए, तो सीन क्या था सीन के बारे में जाना? सीन यही था कि वो मुझे क्वेश्चन करे कि मैंने चकोर को क्यों रहने दिया, बट उनको नहीं पता था कि मैंने मेरे डैड से एक डील की है, वो है कि अगर आप समीर को जॉब देंगे तो मैं चकोर को हैंडल कर लूँगी घर पे, अदरवाइज मैं स्टैंड भी नहीं कर सकती चकोर को। तो अभी फ़िलहाल समीर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जॉब मिलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ उसके लिए मैंने चकोर को झेलने के लिए तैयार। एंजी को भी कहीं ना कहीं भरोसा हुआ था चकोर पे, बट अब सब कुछ मैसअप हो रहा है। हाँ, और डगमगा गया है थोड़ा सा। सेकंड चांस देने की मेरे को लगी थी कि ओके शी डिजर्व्स अ सेकंड चांस इतनी हेटरेड के बाद भी, लेकिन फिर से पूनम जो मॉम है मेरी, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में डाल दी कि वो पैसे ले रही हैं मेरे लिए एंड वट एवर। सो मुझे वापस से गुस्सा आ गया और अब मैंने सोच लिया कि मतलब उस इंसान ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो आई थिंक एंजी की पूरी लाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग में ही रह जाएगी। कब क्लैरिटी होगी उसकी वो तो आपको उड़ान देखना पड़ेगा। तो ये ट्रैक इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक तरफ पूनम है, एक तरफ चकोर और एक तरफ समय, और बीच में है एंजी। हाँ, बट आई होप कि एंजी को, एंजी के सामने जो पर्दा है जो उसकी स्टेप मॉम और बुआ ने डाला है, वो जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि उसके डैड तो चाहते हैं कि वो चकोर को सेकंड चांस दे। सो लेट्स होप कि वो पर्दा जल्दी उठे और हम एकदम स्वीट सी स्टोरी चलाएं फिर। थैंक यू।